नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ Realme कंपनी का लेटेस्ट सस्ते बजट रेंज में आने वाला 5G स्मार्टफोन, जिसका नाम है Realme 12X 5G, जिसकी करेंगे आज हम अनबॉक्सिंग, नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक डिजाइन्स, कैमरा पर देखेंगे कैसा रहता है ये स्मार्टफोन आपके लिए। तो सबसे पहले आप इस स्मार्टफोन का प्राइस जानना चाह रहे होंगे, तो दोस्तों ये हमारे पास है 4GB 128GB वेरिएंट, जो कि आपको ऑनलाइन स्टोर पर मिलेगा 12,000 रुपये का। और अगर आप बैंक ऑफर का यूज़ करते हो तो कुछ परसेंट डिस्काउंट भी मिल सकता है। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, लेकिन फ्लिपकार्ट ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया ये वीडियो। और इसके बाद मैंने इसे ऑर्डर किया दोस्तों Realme की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट से, जहां से मुझे कुछ ऐसी पैकिंग के साथ ये बॉक्स मिला है। दोस्तों इस पर हर जगह Realme की टैप लगी हुई है, और इसे हम ओपन करें तो दोस्तों अंदर एक बॉक्स और नज़र आ जाता है। और इस बॉक्स को ओपन करने के बाद स्मार्टफोन का बॉक्स हमें नज़र आता है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर एक बिल भी मिलेगा इसका, और जिस बिल पर पूरा अमाउंट भी लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स हम आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर। तो येलो कलर का ये बॉक्स आता है, जहां मोबाइल का डिज़ाइन बॉक्स पर आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। ब्लैक फॉन्ट में सारी डिटेल्स को मेंशन किया हुआ है। बैक साइड में कुछ हाईलाइट फीचर्स, जिन्हें मैं वीडियो में आपको आगे बताता रहूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही हमारा बॉक्स ओपन होता है, तो बॉक्स में सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स जिस पर मेक इट रियल लिखा हुआ दिखेगा आपको। इस बॉक्स के अंदर आपको देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो एक सिम इजेक्टर पिन है, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, साथ में आपको फोन को सेफ्टी देने के लिए दिया गया है दोस्तों एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट TPU केस, बहुत ही सॉफ्ट लेकिन पूरा ट्रांसपेरेंट है, काफ़ी जल्दी येलो कलर के भी हो जाते हैं, तो कंपनी को ध्यान देना चाहिए, दूसरे कलर के कवर देने चाहिए। इसके बाद स्मार्टफोन हमें नज़र आ रहा है, इसे रखते हैं फिलहाल साइड में। और अंदर दिया गया है एक बहुत ही बड़े साइज़ का हैवी चार्जर अडाप्टर, जो है दोस्तों 45W का सुपर बुक, मोबाइल को 50% चार्ज कर लेता है आधे घंटे में। इसके बाद जो USB केबल इसके साथ मिल रही है वो Type-A to Type-C है, लेंथ और क्वालिटी केबल की ठीक ही मिल जाती है। हम आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर, पैकिंग से कर दिया है आज़ाद, और ये निकल के आ गया इसका फ्रंट साइड का लुक। इन एंड फील दोस्तों इतना भारी भी नहीं होता ये फील, और बड़ा भी नहीं लग रहा है, वैसे है बहुत बड़ा दोस्तों ये स्मार्टफोन। 5 होल डिस्प्ले के साथ आ रहा है, और इसकी जो ब्राइटनेस है इसे 100% करते हैं, ऑटो से करते हैं रिमूव। और अब देखिए इसकी ब्राइटनेस, 800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस आपको इस स्मार्टफोन में मिलती है। आउटडोर हो या इंडोर आप इजीली यूज कर पाओगे स्मार्टफोन का। एज और बेजल्स को देखें तो कॉर्नर ऊपर से हैं पतले, नीचे चिन थोड़ी सी ज्यादा दी गई है। डिस्प्ले के कलर्स काफी प्यारे लग रहे हैं। स्क्रॉल अप करते ही सारे एप्लीकेशन हमें यहाँ पर नजर आ जाती है, कुछ एक प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन तो सभी स्मार्टफोन में मिल ही रही है, तो आप इन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। टच बहुत स्मूथ और फास्ट मिल जाएगा दोस्तों। 120Hz का रिफ्रेश रेट इस स्मार्टफोन में दिया गया है। बैक पैनल पे नजर डाले दोस्तों तो प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी, और इसका बैक पैनल देख के कोई भी हैरानी नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी यही डिजाइन का स्मार्टफोन तो मार्केट में पहले से पड़ा हुआ है, Realme 12 दोस्तों, जो कि हूबहू इसी के जैसा है। और आजकल पता नहीं ये घटिया सा कैमरा मॉड्यूल किसी को पसंद आता है, किसी को कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ऐसा कैमरा मॉड्यूल पसंद आता है कि नहीं आता। एक बड़ा सा गोला चिपका दिया फोन के पीछे, कैमरा है 2, फील होंगे 4 कैमरा, जबकि एक के अंदर LED फ्लैश लाइट और एक शो पीस यहाँ पर बनाया गया है। और ये जो गोला है दोस्तों काफी ज्यादा उठा हुआ भी है, अगर विदाउट कवर यूज करते हैं फोन का तो डायरेक्ट ये जो गोला है जमीन में टकराएगा और कैमरा लेंस पर स्क्रैचेस डालेगा, फिर कोई काम का नहीं रहेगा फोन। तो सेफ्टी जरूर रखना दोस्तों, एक लेंस पर कवर लगा के रखना चाहिए हमेशा। 5 होल डिस्प्ले मिल रही है, प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड है, कॉर्नर चारों तरफ से राउंडेड, साइड से बिल्कुल फ्लैट। राइट साइड में है पावर ऑन की, जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स, फिंगरप्रिंट सेंसर भी पावर ऑन की पर अटैच्ड आपको मिलेगा। ऊपर की साइड आपको सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए स्पीकर दिया गया है, और सिम ट्रे भी आपको यहीं पर मिल जाती है। हाइब्रिड स्लॉट के साथ आ रही है, एक बारी में आप 2 सिम कार्ड या 1 सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, तीनों एक साथ नहीं लगा सकते। लेफ्ट साइड बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं। बॉटम में 3.5mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो 6.72 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD इस फोन में दी गई है, जिसका एस्पेक्ट रेशो है 20:9। स्क्रीन रेजुलेशन
1080x2400 पिक्सल डेंसिटी 392 ppi की मिलती है। 165.6 मिलीमीटर इस फोन की हाइट है, 76.1 मिलीमीटर की विड्थ और 7.69 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है। तो काफी स्लिम स्मार्टफोन है, 188 ग्राम इसका वेट है और इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी भी लगी हुई है। अब दोस्तों इसकी सेटिंग की ओर बढ़ते हैं, तो सेटिंग का इंटरफेस नॉर्मली सभी रियलमी फोन का एक जैसा ही मिलता है दोस्तों। नीचे है अबाउट फोन सेक्शन, इसे ओपन करें तो रियलमी UI वर्जन 5.0 का आपको इसमें मिल जाता है, लेटेस्ट है और डिवाइस नेम मॉडल नेम को मेंशन किया हुआ है। 128GB का स्टोरेज मिल रहा है जिसमें से 17GB तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, बाकी आपको यूज के लिए मिल जाता है। और दोस्तों आप चाहो तो 1TB तक इसकी मेमोरी को आप बढ़ा सकते हैं मेमोरी कार्ड लगा के। और प्रोसेसर इसमें मिलेगा आपको 2.2GHz का ऑक्टा कोर, चिपसेट MediaTek Dimensity 6100 प्लस का दिया गया, जो कि आजकल 10-11 हजार रुपए की रेंज के स्मार्टफोन में भी यही चिपसेट ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो कोई भी कंपनी के 5G स्मार्टफोन हो। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर कैमरा डिटेल्स नजर आ रही होगी, तो जो कैमरा है दोस्तों इसके रियर में मेन प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का है डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट और फ्रंट में मिलेगा आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। एंड्रॉयड 14 पे रन कर रहा है दोस्तों ये स्मार्टफोन, इसमें 6nm का फैब्रिकेशन और माली G57 के ग्राफिक दिए गए हैं। अब दोस्तों मैं इससे वीडियो शूट करके देखता हूँ इसकी वीडियो क्लैरिटी कैसी है, फ्रंट से भी रियर से भी, और साथ ही साथ आप साउंड क्वालिटी को भी नोटिस करना, साउंड क्वालिटी इसकी कैसी आ रही है। तो ये है Realme 12X 5G का रियर कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का, इसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे फुल HD और HD में, 1080p में 30fps, 720p में 30fps, उससे ज्यादा का सपोर्ट नहीं दिया गया है। और जूमिंग देखें तो आप इससे पूरा 10 गुना तक जूम भी कर सकते हो, ये फुल 10x जूम क्वालिटी, पूरी वीडियो क्वालिटी जो है वो घट गई है दोस्तों, तो ज्यादा कोई खास जूम आपको इसका नहीं मिलता। साथ ही साथ साउंड को भी नोटिस कीजिए, साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है। अब इसके फ्रंट कैमरा में हम शिफ्ट होते हैं, तो अभी हम फ्रंट कैमरा से वीडियो को शूट कर रहे हैं 1080p में 30fps पर मैंने रखा हुआ इस सेटिंग को, और थोड़ा मूवमेंट करते हैं दोस्तों। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो देखिए दोस्तों कुछ ऐसी क्लैरिटी इसके ब्लॉगिंग के टाइम पर आएगी। कुछ पिक्चर कैप्चर की है दोस्तों, आप सैंपल देख सकते हैं, इस साइड भी यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रंट और रियर कैमरा से फोटो जो लिए मैंने अभी वो यहाँ पर चल रही है, तो आप यहाँ पर क्लैरिटी नोटिस कर सकते हैं कि फोटो कैसी आ रही है इनकी। बाकी वीडियो क्वालिटी तो आपने देख ही ली, साउंड क्वालिटी कैसी लगी आपको ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 12000 रुपए की रेंज में मिल रहा है आपको ये स्मार्टफोन, वैसे प्राइस के हिसाब से तो मुझे ठीक ठाक लगा, अच्छा प्रोसेसर, अच्छा यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, रैम थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए थी, 6GB की रैम होती तो और बढ़िया रहता 12000 रुपए के अंदर। बाकी दोस्तों डिजाइन के मामले में आजकल कई स्मार्टफोन ऐसे ही डिजाइन दे रहे हैं दोस्तों, कुछ भी नया नहीं कर रहे, एक यूनिक सा स्मार्टफोन बनाना चाहिए कंपनियों को, इनके पास शायद से एक ही ढांचा रह गया और उसी ढांचे को अलग अलग नाम से मार्केट में उतार रहे हैं। हमें लग रहा है कोई नया फोन आ गया है और नया स्टैंडर्ड होगा इसमें, कम से कम फ्रंट में 16MP का कैमरा कंपनी को देना चाहिए था, प्रोसेसर तो ठीक है लेकिन कैमरा पे आजकल कोई कंपनियां ध्यान नहीं दे रही, जबकि मेरे हिसाब से कैमरा आज की डेट में सबसे बेस्ट होना चाहिए स्मार्टफोन का, क्योंकि आजकल रील्स का जमाना है, रील बनाते हैं। तो फ्रेंड्स बाकी तो अपनी अपनी पसंद होती है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको ये स्मार्टफोन, क्या आप इसे परचेज करना चाहोगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।